हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं एक पीसी बिल्ड। जैसे कि आप इसका लोगो देख के समझ गए होंगे कि ये पीसी बिल्ड होगा 40,000 के अंदर बेस्ट पीसी बिल्ड रहेगा। और इसमें मैं यूज़ करूँगा 7th जनरेशन का काबिलेक प्रोसेसर। जो तो जैसे कि नॉर्मली आप लोग देखते ही होंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अगर 40K के अंदर की वीडियो डालते हैं तो उसमें वो यूज़ करते हैं पेंटियम G4560 वाला प्रोसेसर। तो वो बहुत अच्छी चॉइस, पेंटियम G4560 एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, ये मैं भी मानता हूँ। पर मैंने इस बिल्ट में उसे यूज़ नहीं करा है क्योंकि आजकल अमेज़ॉन पे उसका प्राइस बहुत बढ़ गया है और ऑफलाइन में वो मिल नहीं रहा है। तो अमेज़ॉन में उसका प्राइस लगभग लगभग 6,500 रुपये है, तो ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहीं अगर अपन i3 7100 को देखें तो वो लगभग लगभग 9,000 के आसपास जाता है। अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो हमें ये 8300 मतलब 8,300 रुपये में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मदरबोर्ड में इस बार मैंने चूज़ करा हूँ गीगाबाइट GAH110 MS2 LG1151 सॉकेट वाली मदरबोर्ड, जो कि 7th जनरेशन के F20 BIOS अपडेट के साथ आती है मैन्युफैक्चरर से ही। इसमें आपको 2 USB 3.0 पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट और एक PCI Express स्लॉट मिल जाता है। तो आप इसमें सिर्फ एक ही GPU ग्राफिक कार्ड डाल सकते हैं। तो इसमें आपको 3 SSD लगा सकते हैं आप, 4 हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हैं इसमें, और 3 साल की वारंटी के साथ आता है। DDR4 2 चैनल सपोर्ट करता है ये, और 32 GB तक की मैक्सिमम मेमोरी इसमें सपोर्टेड है। तो उसमें सभी चीज़ आती है सिर्फ HDMI पोर्ट को छोड़ के। तो हम एक ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मदरबोर्ड का ऑनलाइन प्राइस है 4,587 रुपीज़ और ऑफलाइन प्राइस है 3,720 रुपीज़। ये मैंने पता करा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता रहा हूँ, मतलब ये एकदम डेफिनेट प्राइस है इसका। अमेज़ॉन से मैंने लिया हूँ ऑनलाइन, और ऑफलाइन कॉस्ट टू कॉस्ट से लिया हूँ। वह वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी सबके प्राइस बता रहा हूँ आपको। तो रैम मैंने चूज़ करा हूँ DDR4 Silicon 8GB वाली रैम, जिसका प्राइस है ऑनलाइन प्राइस है 5,099 रुपीज़ और ऑफलाइन प्राइस है 5,075 रुपीज़। उसके बाद मैंने हार्ड डिस्क में चूज़ करा हूँ वेस्टर्न डिजिटल ब्लू 1 TB की हार्ड डिस्क, जो कि 7,200 RPM में चलती है। 64 MB का इसका कैश है, बहुत फास्ट हार्ड ड्राइव है, बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है और बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड है। तो इसका ऑनलाइन प्राइस है 3,409 रुपीज़ और ऑफलाइन प्राइस है 3,240 रुपीज़। तो आप आखिरी तक ये वीडियो को देखिए, क्योंकि आखिरी में मैंने इन सब प्राइस को कंपेयर करके एक टेबल बनाया हूँ और उसमें बताया हूँ कि कितना डिफरेंस आता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो अब बारी आती है हमारी इसकी जान की, गेमिंग बिल्ड की जान की। तो यह है GTX 1050 Ti 4GB Zotac का ग्राफिक कार्ड। तो ये ओवरक्लॉक्ड वाला एडिशन है, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 12,895 रुपीज़ अमेज़ॉन पे, और ऑफलाइन आपको मिलेगा 11,000 रुपीज़ में। तो उसके बाद अपन कैबिनेट की बात करते हैं। तो कैबिनेट में मैंने चूज़ कर रहा हूँ कैबिनेट सर्कल CC819। ये बहुत अच्छा कैबिनेट है, बहुत लुक बहुत अच्छा है कैबिनेट का। साथ में आपको एक LED फैन के साथ आता है ये। तो ये ऑफलाइन मुझे मिला नहीं, तो ऑनलाइन का प्राइस ही लिख रहा हूँ मैं 2,690 रुपीज़ ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो अब हमारी बारी आती है एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट की, तो है आसूस का इंटरनल CD राइटर। तो ये भी 1,000 रुपये में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं, डिस्कस इसके ऊपर करते हैं, थोड़ा सा PSU के ऊपर कर लेते हैं। तो PSU है 450 वॉट का, 80% एनर्जी इफिशियंट है, कोर्सेयर कंपनी का है, बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी है, और कुछ कहने लायक काम लायक नहीं है। और GTX 1050 Ti 4GB वाले एडिशन के ऊपर करते हैं। तो ये सारी गेम को चला लेगा आपके अबाउ 60 FPS सारी गेम में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बस कुछ ऐसे गेम होंगे जिसमें ये थोड़ा हाई सेटिंग में नीचे गिरेगा, 40 के आसपास जाएगा, जैसे कि विचर 3 हो गया। GTA 5 में तो अबाउ 60 चलेगा, ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। और कुछ बताने लायक का है ही नहीं, फिर बाकी सब कुछ कॉमन चीज़ है। और आपको अपना टेबल दिखा देता हूँ जिसमें मैंने दोनों प्राइस को कंपेयर करा हूँ। तो अब टेबल आपकी स्क्रीन पर है, आप सब लोग देख लें इसको कि कितना अंतर आ रहा है। तो पूरा अगर मैं ऑफलाइन प्राइस की बात करूँ तो 37,790 रुपीज़ का पड़ रहा है, और ऑनलाइन प्राइस 41,710 रुपीज़ में। मतलब दोनों में अंतर है 3,920 रुपीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर हो गया ये।
तो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको लगभग लगभग 4,000 रुपये का अंतर आता है। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो 4,000 रुपये बचाएंगे, तो 4,000 रुपये में आपका SSD आ जाएगी, 128 GB वाली 4,000 रुपये में आ जाती है। तो आप उसको लगा देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाएगी, आपके 10-15 FPS और बढ़ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑफलाइन में आपको मतलब जैसे कोई कोई प्रोडक्ट अगर कुछ ख़राबी निकली तो आप तुरंत उसको वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं उसको, और असेंबल भी करके देगा वो आपको, सारे प्रोडक्ट चला के बताएगा आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रा लाइक कर देना, नया नया चैनल है भाई, सब्सक्राइब भी कर देना यार। मैं अभी एक PC बिल्ड की और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा रिव्यू करूंगा, एक एक प्रोडक्ट का पूरा असेंबल करके बताऊंगा मैं। तो भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अगर गंदा लगा हो डिसलाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि क्या चीज़ बेकार लगी या फिर कुछ मुझे सुधारना चाहिए। मैं तो ऐसे मतलब मोबाइल में एडिट करके डाल दिया हूँ बस, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, अभी जो दशहरे की छुट्टी थी इसलिए मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल।